हेलो, मैं हूं करण बजाज। क्या आपका मल्टीपल फील्ड्स में इंटरेस्ट है पर लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको एक फील्ड चूज करना पड़ेगा, उसके अंदर स्पेशलाइज करना पड़ेगा सक्सेसफुल बनने के लिए? हर केस में एडवाइस ट्रू नहीं है। आज मैं आपके साथ वो एक फ्रेमवर्क यूज करूंगा जो मैंने यूज करा है मल्टीपल फील्ड्स में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए। यही फ्रेमवर्क से मैंने अपनी बुक्स लिखी, साथ में अपना कॉर्पोरेट करियर में हेड तक पहुंचा डिस्कवरी के, साथ में अपना स्टार्टअप करा व्हाइट हैट जूनियर, और एक्चुअली योगा में भी यही फ्रेमवर्क यूज करा। तो वो क्या है फ्रेमवर्क, आज डिस्कस करते हैं ताकि आप भी मल्टीपल फील्ड्स में सक्सेसफुल बन सके। तो एक फ्रेमवर्क जिससे मैं मल्टीपल फील्ड्स में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे उसको मैं बोलता हूँ वन स्ट्रीम व्यू। कहने का मतलब ये है कि मैं इन प्रोजेक्ट्स को अलग या डिस्क्रीट नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि लाइफ में कंटिन्यूस लर्निंग है, जो हर प्रोजेक्ट से आप सीखेंगे वो अगले प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। तो जो भी मैं कॉर्पोरेट करियर से अपने सीखा वो मैं अपनी राइटिंग में अप्लाई करूंगा, जो राइटिंग से सीखा वो स्टार्टअप में अप्लाई करूंगा, एंड इस तरीके से एक वन स्ट्रीम ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग लाइफ में चलती रहेगी। एंड ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं राइटिंग और स्टार्टअप का एग्जाम्पल दूँ, देखने में ये एकदम अलग फील्ड्स हैं। आप एक नॉवल लिख रहे हैं, फिक्शन नॉवल लिख रहे हैं, और एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। क्योंकि आप जब भी किसी एक फील्ड में मास्टरी के लिए ट्राई करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि सिमिलैरिटी ज़्यादा है और डिसिमिलैरिटी कम है। तो फॉर एग्जांपल, राइटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। यू नीड टू नो हाउ टू बिल्ड एंड यू नीड टू नो हाउ टू सेल। मतलब कि आपका नॉवल बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको ये जानना चाहिए कि आप मार्केटिंग कैसे करेंगे उस नॉवल की अच्छी तरह, ताकि बहुत लोग पढ़ सकें। एंड स्टार्टअप्स के लिए एक्चुअली भी सिर्फ यही दो चीज़ें चाहिए। यू नीड टू नो हाउ टू बिल्ड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट एंड देन उसको कैसा सेल करें। तो मैंने अपनी नॉवल्स के केस में क्या सीखा बिल्डिंग से, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक नॉवल कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्विक्शन चाहिए होता है। क्योंकि जब आप लिखने बैठते हैं अपने लैपटॉप पे, आप एक वर्ड लिखते हैं और आपको लगता है कि बस ऐसे मुझे लिखते जाना है एक साल के लिए, आपको पता नहीं कि कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, बट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक कन्विक्शन है कि मैं लिखता रहूँगा और एक दिन ये 300 पेज की एक नॉवल बनेगी, पब्लिशर्स लेंगे, बुक स्टोर्स लेंगे, लोग पढ़ेंगे। सिर्फ एक कन्विक्शन पे आप लिखते रहते हैं। एंड स्टार्टअप एक्चुअली बहुत सिमिलर है, उसके अंदर भी यही कन्विक्शन पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली बहुत ज़्यादा टफ होता है, कस्टमर्स आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको पता नहीं ये बन पाएगी कंपनी या नहीं बन पाएगी, बट उस कन्विक्शन पे आप अगर चलते रहेंगे तो एक दिन कंपनी बन जाती है। एंड मुझे राइटिंग से इतना एक्सपीरियंस था उसका कि स्टार्टअप के अंदर मेरे अंदर कोई सेल्फ डाउट था ही नहीं। मैंने जैसे राइटिंग के अंदर उस कन्विक्शन से काम करा, उसी कन्विक्शन से स्टार्टअप पे काम करा। एंड राइटिंग के टाइम पे भी इतने रिजेक्शन आते हैं, पब्लिशर्स एक टाइम पे मेरी नॉवल्स को 50-60 बार रिजेक्ट कर चुके थे। मेरी वाइफ की मदर ने मुझसे एक बार पूछा कि आप क्या सेम नॉवल पे काम कर रहे हो जो आप 4 साल पहले काम कर रहे थे, क्योंकि उनको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं हो पाया कि एक नॉवल इतने सालों तक चल सकती है। स्टार्टअप भी उसी तरीके से थे, कभी वेंचर कैपिटलिस्ट रिजेक्ट कर रहे थे, कभी लग रहा था कि बन पाएगी नहीं बन पाएगी, लेकिन वो कन्विक्शन से जो राइटिंग करा, उसी कन्विक्शन से स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा मेरा एडवांटेज हुआ। सेलिंग में भी मैंने बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखी। राइटिंग के टाइम पे भी लोग बोलते थे कि आपका बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होना चाहिए, आपका ट्विटर में फॉलोअर्स होने चाहिए, फेसबुक में प्रेजेंस होना चाहिए, बुक स्टोर में इवेंट्स करने चाहिए, पर इवेंचुअली मैंने देखा कि एक या दो मीडियम से ज़्यादा बुक्स ज़्यादा सेल नहीं होती हैं। एंड मेरे केस में मैंने देखा कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग और अमेजॉन एडवर्टाइजिंग, इसके अलावा किसी भी और मेथड से बुक्स का सेल कभी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो जब मैंने व्हाइट हैट जूनियर स्टार्ट करा तो मैं बहुत क्लियर था कि एक या दो मीडियम पर फोकस करेंगे। एंड इनिशियली हम लोग ने सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजिंग करा और कंपनी को काफ़ी लार्ज स्केल तक ले गए बिफोर हम लोग ने टीवी एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करा। तो सिर्फ एक या दो मीडियम्स काम करते हैं राइटिंग में भी और स्टार्टअप में भी। तो किसी भी फील्ड का मास्टरी, दूसरे फील्ड में बहुत ज़्यादा लर्निंग्स उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको एक वन स्ट्रीम व्यू माने, डिस्क्रीट इवेंट्स मत मानिए। ये मत सोचिए कि आप डिटोर ले रहे हैं जब आप एक दूसरे फील्ड को परस्यू करते हैं, ये एक स्ट्रीम ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग है। यही आइडिया स्कॉट एडम्स, जो डिलबर्ट के क्रिएटर हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है 100% गुड होना एक चीज़ में, 100% एक्सपर्ट बनने का, तो आप मल्टीपल फील्ड्स में अगर 75% एक्सपर्ट बन गए तो वो एक और यूनिक मॉडल है सक्सेस का। तो 100% एक्सपर्ट इन वन फील्ड, पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, एक्टर्स, जब आप सुनते हैं जिन्होंने सिर्फ एक फील्ड करा है, वो एक टाइप का सक्सेस है और बहुत अच्छा सक्सेस है। पर एक दूसरे टाइप का सक्सेस है जो एक टाइप का हॉरिजॉन्टल डॉट कनेक्टर्स हैं, जो हर जगह से कुछ कुछ सीखते हैं और उनको कनेक्ट करते हैं एक नए आउटकम्स के लिए। अब जैसे व्हाइट हैट जूनियर का जो आइडिया था वो मेरे राइटिंग से आया कि किड्स शुड बी क्रिएटर्स एंड बिल्डर्स अर्लियर, क्योंकि मेरे राइटिंग से मुझे लगा कि क्रिएशन का जो एक्ट है ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है और बहुत जल्दी लाइफ में आना चाहिए। फिर हर रोज़ जो डेटा और बिजनेस का डिसिप्लिन था वो मेरे कॉर्पोरेट करियर से आया,
इवन बैकपैकिंग ने बहुत इम्पैक्ट करा वाइट हेड जूनियर को, क्योंकि हम लोग ने बहुत जल्दी डिसीजन लिया कि इंडिया से बाहर हम लोग बाकी कंट्रीज में लॉन्च करेंगे, यूएसए में, ब्राज़ील में, मेक्सिको में। एंड वो डिसीजन इसलिए था क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि वर्ल्ड बहुत सिमिलर है, डिसिमिलर नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रैवल करा था। तो अगर आप देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे जो जब सब कनेक्ट हुए एक स्टार्टअप बनाने के लिए। तो अगर आप 100% एक्सपर्टीज एक फील्ड में नहीं चाहते और 75% एक्सपर्टीज मल्टीपल फील्ड में गैदर कर लें, तो उसका अपना एक अलग रोल होता है नए प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने में। तो कैसे बने एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल डॉट कनेक्टर? पहले एक फील्ड में पूरी तरह मास्टरी अकम्प्लिश करने की कोशिश कीजिए, एंड तभी मुझे लगता है कि एक टाइम पर एक चीज़ ढंग से करनी चाहिए। तो जब मैं पहले लाइटिंग कर रहा था तो मैंने पहले दो नॉवल्स काफ़ी पार्ट टाइम लिखी, पर मेरा रियल लर्निंग हुआ मेरे तीसरे नॉवल से जो मैंने फुल टाइम लिखा। 50-60 रिजेक्शन हुए अकम्प्लिश होने के पहले पब्लिशिंग डील, एंड उससे जो मैं सीखा वो इतना ज़्यादा डीप था कि वो स्टोरी टेलिंग का लर्निंग मैं इमीडिएटली अप्लाई कर पाया जब डिस्कवरी में नए टीवी चैनल्स लॉन्च करे, जब वाइट हेड जूनियर स्टार्ट करा। तो एक फील्ड की मास्टरी बाय स्पेंडिंग वन टाइम इन वन थिंग, ये मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है मल्टीपल फील्ड्स में सक्सेस के लिए। और ये मास्टरी का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सिंप्लीफाइंग भी रहता है। अगर मैं अपने पिछले 10 या 15 साल देखूँ तो मेरा पूरा सिंगल माइंडेड अटेंशन एक तरीके का एक फ्लो स्टेट जो है वो रहा है, पहले अपनी राइटिंग को करने के लिए अच्छे से कि कैसे एक्सपर्ट बनूँ राइटिंग में, फिर एक अच्छा सीईओ कैसे बनूँ डिस्कवरी का, फिर स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप जो मैंने पहले कभी नहीं करा है कैसे समझूँ और कैसे अच्छे से करूँ। एंड उससे इतना ज़्यादा सिंप्लीफाइंग रही है मेरी लाइफ कि वो टिपिकली मेंटल रेस्टलेसनेस जो होता है वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। तो अगर आपका मल्टीपल फील्ड्स में इंटरेस्ट है तो अपनी क्यूरियोसिटी को पूरी तरह फॉलो कीजिए, एक टाइम पर एक फील्ड के अंदर डीपली जाइए, चाहे वो आपकी हॉबी भी हो पर उसके अंदर एकदम मास्टरी लाने की कोशिश कीजिए, फिर मल्टीपल फील्ड्स के डॉट्स कनेक्ट करके अपने यूनिक मॉडल्स बनाइए। क्या आपके लिए फ्रेमवर्क यूजफुल था मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताइए, और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन द वन रूटीन फॉर अनलिमिटेड सक्सेस ये भी आपको हेल्प करेगा। मैं हूं करण, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।